नमस्कार। एक और शक्तिशाली ध्यान प्रयोग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे स्पाइन में बहुत सारी ऊर्जा के केंद्र हैं जिनको कि हम चक्र कहते हैं। ये मेडिटेशन उन चक्रों को एक्टिवेट करेगा और उनमें छुपे एनर्जी के सेंटर्स को पुनः जागृत करने में आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, चक्रों के जागरण और बैलेंस के सहारे आप अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी इमोशनल फिटनेस को फिर से हासिल कर सकते हैं, आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, आप अपने इंट्यूशन को, अपने विजडम को और अपने जीवन के हर एक आयाम को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान है और इसको पूरी तन्मयता के साथ प्रैक्टिस करें। आराम से बैठ जाएं। अगर संभव हो तो आप पालथी मारकर ही बैठें। दोनों हाथों को अपनी जांघ पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। रिलैक्स योर होल बॉडी। एक और गहरी सांस अंदर लें, इन, और पूरी तन्मयता के साथ बाहर। हर एक सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ता जा रहा है, आपकी मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं और आपका मन शांत हो रहा है। अलाउ योर माइंड टू बी मोर पीसफुल, काम एंड रिलैक्स्ड। हर सांस के साथ आपका शरीर और गहन विश्राम में जा रहा है और आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपके तनाव, चिंताएं बाहर जा रही हैं। अपनी सांसों को देखते रहें और सांसों को देखने के साथ साथ आपके शरीर में कहां तनाव है उसको भी देखते जाएं। अब हम एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस अंदर लें, इन, ओ। मन पूरी तरह से शांत। पुनः एक बार ओमकार का उच्चारण। गहरी सांस अंदर, ओ। अपने शरीर में उठ रही कंपन को महसूस करना शुरू करें। अब आप इमेजिन करें कि जहां कहीं भी आप बैठे हैं उस धरती से नीचे अपनी चेतना को जाने दें और अब आप सेंटर ऑफ अर्थ पर पहुंच चुके हैं, पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच चुके हैं। ये स्थान ऊर्जाओं का भंडार है। धरती अपने आप में
ऊर्जा की केंद्र है और यहां से रोशनी की एक गेंद ऊपर की तरफ उठना शुरू कर रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश का गेंद आपकी तरफ बढ़ने लगा है। अब ये धरती के सरफेस के पास है और आपकी जांघों को टच कर रहा है। ये प्रकाश एक आध्यात्मिक प्रकाश है। इसमें ये क्षमताएं हैं कि आपके शरीर को हील कर सकता है और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकता है। ये प्रकाश का गेंद आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा है। मूलाधार चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के आखिरी मनके के पास स्थित है। This ball of light is entering inside your Muladhar Chakra, the last point of your spine. Muladhar Chakra धीरे धीरे जागृत हो रहा है। यहां मौजूद कमल खिलना शुरू कर रहा है और ये चक्र अपने एक्सिस पर तेजी से घूमना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ मन में ये इंटेंशन लाएं कि मूलाधार चक्र में छिपा विशाल ज्ञान का भंडार, शक्ति का भंडार खुलता जा रहा है। मूलाधार चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। अब यह प्रकाश का गेंद आपके स्पाइनल कॉर्ड में और ऊपर की तरफ आ रहा है और अब ये आपके स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र आपके नाभि से 4 अंगुल नीचे है। स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित कमल धीरे धीरे खिलने लगा है और स्वाधिष्ठान चक्र अपने अक्ष पर तेजी से घूमना शुरू कर चुका है। All the wisdom, suppressed energy and information from Swadhisthan Chakra is totally awakening, totally releasing and Swadhisthan Chakra is becoming awakened. ये प्रकाश का गेंद थोड़ा और ऊपर आ रहा है और अब ये आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश कर चुका है। मणिपुर चक्र आपके नाभि से 4 अंगुल ऊपर आपके स्पाइनल कॉर्ड में स्थित है। मणिपुर चक्र में छुपा विशाल ज्ञान का भंडार जागृत हो रहा है। यहां मौजूद कमल खिलने लगा है और ये चक्र अपने अक्ष पर तेजी से घूम रहा है। मन में ये भावना लाएं कि मणिपुर चक्र पूरी तरह से जागृत हो रहा है। जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। अब ये प्रकाश का गेंद और ऊपर उठ रहा है और आपके हृदय में स्थित अनाहत चक्र में प्रवेश कर रहा है। अनाहत चक्र प्रेम का चक्र है। इसमें स्थित ज्ञान के भंडार धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इसमें मौजूद भावनाएं जैसे कि प्रेम, दया धीरे धीरे बाहर आने लगी हैं और आपके प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर रही हैं।
Anah Chakra is opening once and forever, once and forever. All the wisdom, suppressed energy and suppressed information is now coming out from Anah Chakra once and forever. ये प्रकाश का गेंद अब धीरे धीरे और ऊपर उठ रहा है और आपके कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रहा है। विशुद्धि चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगा है। इसमें मौजूद चक्र अपनी अक्ष पे तेजी से घूम रहा है और विशुद्धि चक्र में मौजूद ज्ञान के भंडार, शक्ति के भंडार, सप्रेस्ड इमोशंस और इन्फॉर्मेशन सब कुछ जागृत हो रहे हैं। मन में ये भावना लाएं कि विशुद्धि चक्र जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। विशुद्धि चक्र इज अवेकनिंग वंस एंड फॉरएवर, वंस एंड फॉरएवर। और अब ये प्रकाश का गेंद आपके दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। भ्रू मध्य में स्थित आज्ञा चक्र धीरे धीरे सजीव होने लगा है। इसमें छुपे ज्ञान के भंडार खुलने लगे हैं। यहां मौजूद कमल धीरे धीरे खिल रहा है। आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत हो चुका है। ऑल द इंफॉर्मेशन, एनर्जी, नॉलेज एंड द प्रोग्राम्स सिचुएटेड इन आज्ञा चक्र is opening for you, opening for you. Allow this ball of light to move even further up to the crown chakra, the top portion of your head. ये प्रकाश का गेंद आपके सिर के सबसे ऊंचे के हिस्से सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है। सहस्रार चक्र धीरे धीरे जागृत हो रहा है। यहाँ मौजूद कमल खिल रहा है। यहाँ जो भी ज्ञान है, जो भी भावनाएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, धीरे धीरे खुलने लगी हैं। मन में ये भावना लाएं कि मेरे शरीर के समस्त चक्र जागृत हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। और अब ये प्रकाश का गेंद धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर आसमान की ओर जा रहा है और ये परमात्मा की ऊर्जा से एक हो रहा है और ये शून्य में मिल रहा है। दिस बॉल ऑफ लाइट इज गोइंग फर्दर अप and joining the energy of the God, the Tao, or the All that is. This ball of light is becoming further energized and charged. ये प्रकाश की गेंद और ज्यादा ऊर्जावान, शक्तिवान होकर आपके शरीर की तरफ वापस लौट रहा है। एक बार फिर से ये आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है। सहस्रार चक्र जागृत हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, प्रकाशवान हो रहा है। ये रोशनी नीचे आ रही है और आपके आज्ञा चक्र को पुनः जागृत कर रही है, ऊर्जा दे रही है। ये प्रकाश का गेंद
अब आपके विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रहा है, जो कि आपके कंठ में है, और वहां ये इसे और ऊर्जावान बना रहा है। प्रकाश का गेंद आपके हृदय में स्थित अनाहत चक्र में प्रवेश कर रहा है और अनाहत चक्र को ऊर्जावान, प्रकाशवान और शक्तिवान बना रहा है। ये प्रकाश का गेंद फिर से धीरे नीचे जा रहा है और जो भी परमात्मा की ऊर्जा इसने ली थी, उन ऊर्जाओं को एक बार फिर से मणिपुर चक्र में डिस्चार्ज कर रहा है। मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। ये प्रकाश का गेंद फिर से नीचे चलता है और आपके स्वाधिष्ठान चक्र को पुनः ऊर्जा दे रहा है, शक्ति दे रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित विशाल ज्ञान के भंडार खुलने लगे हैं और ये चक्र जागृत हो रहा है। ये प्रकाश का गेंद पुनः नीचे जाता है और एक बार फिर से आपके मूलाधार चक्र को ऊर्जा दे रहा है, शक्ति दे रहा है, और आपके पूरे शरीर के चक्र प्रकाशवान हो चुके हैं। अब अपनी पूरी चेतना सारे चक्रों के ऊपर एक साथ लगाएं, देखें कि ये अपने अक्ष पर तेजी से घूम रहे हैं। जो भी इनमें ब्लॉक्ड एनर्जी थी, फंसी हुई ऊर्जा थी, फंसा हुआ ज्ञान था, या जो भी इसमें ब्लॉकेज थी, वो सारी ब्लॉकेज बाहर निकल रही है, गायब हो रही है, शून्य हो रही है। और अब आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। मैं आपको एक ट्रुथ फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप चेतना के पुंज हैं और आप में तमाम शक्तियां हैं, जिसके सहारे कि ना सिर्फ आप अपनी तकदीर बल्कि किसी की भी तकदीर को पलट सकते हैं। ये वक्त है उन खोई हुई, उन भूली हुई शक्तियों को एक बार फिर से धारण करने का। और अब ये समय है ध्यान से वापस आने का। एक बार फिर से अपने दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और मेरे तीन गिनने के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोलें। एक, आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। दो, अपने शरीर को हिलाना शुरू करें। और तीन, जो ही आपको अच्छा महसूस हो, आप धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। दोस्तों, हर एक ध्यान को बनाने में और रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका पूरा लाभ उठाएं। अगर आपको ये ध्यान पसंद आया तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी। अगर इस ध्यान ने आपकी मदद की है तो इसे कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर भेजें जिनके जीवन में ये कोई बदलाव ला सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद।